अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। कि यदु महाराज के पिता ययाति महाराज और उसके ससुर शुक्राचार्य असुरों के गुरु, तो शुक्राचार्य ने ययाति महाराज को श्राप दे दिया, तुम जवानी में ही बूढ़े हो जाओ। और ये हो गए। अब ये बूढ़े हो गए तो दोनों हाथ जोड़कर ससुर जी के चरणों में गिर गए। ससुर जी ये क्या किया, थप्पड़ मार देते, कुछ और दंड देते, आपने मुझे जवानी में बूढ़ा बना दिया। मेरे मन में बहुत सारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, बाकी सब तो ठीक है, आपकी बेटी के साथ में किसी फंक्शन में जाऊंगा, किसी के विवाह में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग आपको गाली देंगे, इसके बाप को बुद्धि नहीं है बूढ़े के साथ शादी कराई। तो ससुर जी आप कुछ कीजिए और मेरा बुढ़ापा दूर कर दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा कि श्राप तो दे दिया है, उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक काम कर सकता हूं, मैं एक वरदान दे सकता हूं। क्या वरदान? बोले तुम्हारे चार बेटे हैं, उन चारों बेटों में यदि कोई बेटा अपनी जवानी को दे और तुम्हारा बुढ़ापा ले ले तो ये काम हो सकता है, तुम अपने बेटे की जवानी जी सकते हो। बोले कोई बात नहीं, चार है, एक तो देगा अपनी जवानी। ये घर पर आए, ये आती महाराज घर पर आए और सबसे पहले अपने बड़े बेटे यदु के पास गए, जिसका जिक्र यहां पर हो रहा है। वो अपने बेटे यदु के पास गए, बेटा मैं बहुत बड़ी आशा लेकर आया हूं, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, एक चीज मांगना चाहता हूं। बोले पिताजी मांगो, क्या चाहिए? पिताजी ने कहा कि तुम अपनी जवानी मुझे दे दो, मेरा बुढ़ापा तुम ले लो। इतना सुनते ही यदु ने तुरंत ना कह दिया, पिताजी और कुछ मांगना है सो मांगो, जवानी मत मांगो। अब देखिए, पिताजी ने जवानी मांगी, पुत्र ने ना कह दिया। उस पुत्र को यहां पर धर्मशील कहा जा रहा है, ये कौन सा बड़ा धर्मशील हो गया? पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना क्या ये धर्मशील है? लेकिन भागवत उसे धर्मशील कह रहा है, इस बात को हम कैसे समझे? तो भागवत के इन गुह्य रहस्य को हमें समझना चाहिए। यदु महाराज ने अपने पिता की आज्ञा को ठुकराया, फिर भी वह धर्मशील कहे गए, इसका कारण आचार्यों ने बताया कि यद्यपि यदु महाराज ने अपने पिता की आज्ञा को ठुकराया, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था यह महत्वपूर्ण है। कभी कभी कुछ लोग, कुछ भक्त बाहर से कुछ गलत काम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य यदि अच्छा है तो वो भगवान के कृपा पात्र हो सकते हैं। यहां पर ऐसा ही हुआ कि पिताजी की आज्ञा थी, मेरा बुढ़ापा ले लो, जवानी दे दो, यदु महाराज दे देते, लेकिन उन्होंने तुरंत सोचा कि मेरी जवानी लेकर मेरे पिताजी क्या करेंगे, भोग भोगेंगे, अपना जीवन बर्बाद करेंगे, खुद तो नरक में जाएंगे, मेरी मां को भी नरक में लेकर जाएंगे। लेकिन उससे अच्छा है कि मैं इसे जवानी न दूं और मैं स्वयं राम और कृष्ण की भक्ति करूं, और भक्ति करके मैं मेरा भी उद्धार करूं और मैं मेरे माता पिता का भी उद्धार कर दूं। इस उद्देश्य से यदु महाराज ने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया और इसलिए उसे धर्मात्मा कहा गया। भगवान के उद्देश्य से अपने माता पिता के भले के लिए यदि कोई उनकी आज्ञा को ठुकराता है, फिर भी उसे धर्मात्मा माना जाता है। इस सिद्धांत को हमारे परम गुरु आचार्य शिल प्रभुपाद सरल भाषा में समझाते थे एग्जाम्पल के द्वारा। एक बार एक आदमी को कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कहा कि शराब पीने के कारण कैंसर हुआ है, आज के बाद शराब मत पीना नहीं तो तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी।
कुछ दिन के बाद उस आदमी ने अपने बेटे को कहा, जाओ मेरे लिए शराब लेकर आओ। अब शराब लेकर आए तो पिताजी की मृत्यु हो जाए, और शराब न लाए तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए। ये प्रश्न मैं यदि आपको पूछूं, उस लड़के की जगह पर आप होते तो क्या करते हैं? पिताजी को शराब की बोतल लाकर देते या नहीं देते? देते? फिर पिता की आज्ञा का उल्लंघन हो जाए हैं? तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? पिता की आज्ञा का भले उल्लंघन हो जाए, लेकिन उसमें पिताजी का ही भला है ना, है ना। तो कभी कभी बाहर से ऐसा लगता है कि बेटा पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, लेकिन उद्देश्य पिताजी को बचाने का होता है, है? तो उसे धर्मात्मा कहा जाता है। ये सब शास्त्रों के सिद्धांत है, जिस सिद्धांत को बारीकी से हमें समझकर अपना जीवन जीना होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आगे बढ़ते हैं। महाराज परीक्षित ने कहा कि ऐसे धर्मात्मा यदु महाराज के कुल में जिस कृष्ण का जन्म हुआ, उस कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूं। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावन, कृतवान यानी विश्वात्मा तानि नह वद विस्तरात। और उस भगवान श्री कृष्ण की कथा विस्तरात, मुझे विस्तार से सुनाइए। अर्थात परीक्षित संक्षिप्त में सुनना नहीं चाहते, विस्तार से सुनना चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण कथा जो है, कृष्ण कथा संसार के जीव को पवित्र करती है, संसार के जीव को आनंद देती है, और इतना ही नहीं, मरने के बाद भगवान के धाम वैकुंठ को प्रदान कर देती है। इसलिए आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। सुखदेव जी, मेरी कृष्ण में बड़ी आसक्ति है। कारण? कारण कृष्ण की मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुत बड़ी कृपा है। ये परीक्षित ने कहा, कृष्ण की हमारे परिवार पर बड़ी कृपा है। आप विचार तो करो, महाभारत के युद्ध में हमारे पितामह पांडवों की सामने कौरवों की सेना थी, और कौरवों की सेना के सामने पांडवों की सेना का क्या अस्तित्व था? परीक्षित कहते हैं, पितामह में समरे मरंजये देवव्रता आदि रथे स्तिमिंगले। सुखदेव जी, उस कौरव की सेना में पितामह भीष्म थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, कर्ण था, अश्वत्थामा, दुर्योधन, एक से एक योद्धा थे। वह कौरव की सेना दुरत्य सैन्य सागरम समुद्र के समान विशाल थी, और पांडवों की सेना एक छोटे से नाले के समान थी। उस कौरव की सेना को जीतना, पार करना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल था, लेकिन धन्य है उस भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, उस दुरत्य सैन्य सागर, उस समुद्र की जैसी विशाल सेना को हमारे पांडवगण बिल्कुल आसानी से पार कर गए। इतने बड़े समुद्र को कैसे पार कर गए? जैसे बरसात की ऋतु में गाय के बछड़े के पांव से कीचड़ में छोटा सा खड्डा बन जाता है, और बच्चे खेलते खेलते उसे पार कर जाते, कूद जाते हैं, वैसे कृष्ण की कृपा से उस कौरव रूपी सैन्य सागर को गाय के बछड़े के खुर से बने हुए खड्डे की तरह पार कर गए। एकमात्र कृष्ण की कृपा है। इतना ही नहीं, जो कृष्ण, जिस कृष्ण की कृपा से ही आज मैं आपके सामने बैठा हूं। देखिए, हमें भी इस प्रकार से इजहार करना चाहिए। हम तो क्या है ना, एक तो मंदिर आते नहीं, और यदि आ भी गए तो भीख मांगने के अलावा कुछ करते नहीं। ओम जय जगदीश रे सुख संपत्ति घर आवे, बस मेरे ही घर पे आए, बाजू में ना जाए, इतनी तो ईर्ष्या भरी हुई है। मैं अक्सर कहता हूं, आज बंदा कम कमा रहा है ये चिंता नहीं है,
मेरा माल कम बिक रहा है ये चिंता नहीं है, बाजू वाले का ज्यादा क्यों बिक रहा है? प्रॉब्लम ये है, मैं कम कमा रहा हूं ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाजू वाले ज्यादा क्यों कमा रहे हैं? इसलिए भगवान, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। जो हमें दिया है ना, उसका धन्यवाद करना चाहिए। आपने बहुत कुछ दिया, हमारी औकात से आपने हमें ज्यादा ही दे दिया, ये धन्यवाद होना चाहिए। और फिर उनसे कुछ मांगना चाहिए। परीक्षित महाराज कहते हैं, सुखदेव जी, आज मैं जो आपके सामने बैठा हूं ये कृष्ण का प्रसाद ही है, नहीं तो मैं मेरी मां उत्तरा के गर्भ में था और अश्वत्थामा तो ब्रह्मास्त्र छोड़ चुका था, मैं मेरी माता उत्तरा के गर्भ में मर ही चुका था, प्रभु मर ही चुका था, लेकिन धन्य है वह कृष्ण की कृपा जिन्होंने मेरे गर्भ में आकर अपने सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा की। मैं आज उस कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूं। श्री राधा कृष्ण भगवान की, राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी महाराज की। तुम्हारा घरे आया हवे तमारो वारो छे, आजे कहीं जाजो हमें आया छे, हवे तो तारो वारो। तो क्या कह रहा था मैं, कथा कहाँ चल रही थी? हाँ, परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये जो मेरा शरीर है भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ही है, कृष्ण की कृपा से ही आज मैं यहां पर बैठा हूं, जीवित हूं। और कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कृष्ण वो है जो भजन करने वाले के सामने परम पुरुष के रूप में प्रकट होते हैं और जो भजन नहीं करते हैं उनके सामने काल के रूप में प्रकट होते हैं। परीक्षित कहते हैं, विर्याणी तस्या अखिल देह भाजा अंतर बहिर पुरुष काल रूपे प्रयच्छतो मृत्यु मृतामृतम च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन। एक ही भगवान है लेकिन उसके दो रूप है, भजन करने वाले के सामने श्याम सुंदर के रूप में प्रकट होते हैं, उन्हें सुख देते हैं, आनंद देते हैं, परंतु जो भजन नहीं करते हैं वही भगवान उनके सामने काल के रूप में प्रकट होते हैं। तो ऐसे परम ईश्वर परम भगवान, जैसे आप सब जानते हैं, महाराज जनक के सभा में महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जब प्रवेश किए तो गोस्वामी तुलसीदास जी के मुख से निकल पड़ा, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति दिन देखी तैसी। भगवान राम को जब जनकपुर के लोगों ने देखा तो जिनकी रही भावना जैसी, जैसी भावना थी भगवान उस रूप में दिखाई दिए। जो अच्छे सज्जन राजा थे उन्हें निराम नरवरह, उन्हें राम राजा के रूप में दिखाई दिए, कुटिल राजाओं को अपने काल के रूप में दिखाई दिए, योगियों को परम तत्व के रूप में, जनक जी के सजातियों को अपने पुत्र के रूप में दिखाई दिए, स्त्रियों को साक्षात मूर्तिमान कामदेव के रूप में दिखाई दिए, भक्तों को भगवान के रूप में दिखाई दिए। जिसकी जैसी भावना थी भगवान का वैसा दर्शन हुआ। भजन करेंगे तो भगवान मृत्यु के समय सुंदर रूप में हमारे सामने प्रकट होंगे, और भजन नहीं करेंगे तो वही भगवान काल के रूप में प्रकट होंगे। जैसे गीता में कृष्ण ने कहा ना अर्जुन को, कालोस्मि लोक क्षय कृतम प्रवृत्तम, मैं काल हूं और सबको खा रहा हूं। और काल के रूप में खा ही रहे ना, आज हम सब लोग काल के चंगुल में फंसे हुए हैं, सब लोग हम काल के चंगुल में, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं फंसा है।
एक बार संत कबीर का नाम सुना ना, हमारे भारत के संत कबीर जी एक छोटे से गांव से गुजर रहे थे, और गामड़ा गाम में तो तुमने खबर हशे के जूना जमाना में अपने घऊ ने दड़वा होए तो उस जमाने में चक्की तो थी नहीं, तो क्या था वो पत्थर होता था घंटी नीचे का जो पत्थर होता है इसमें खूंटी होती है, ऊपर के पत्थर में होल होता है फिट हो जाता है, और ऊपर से गेहूं डालते हैं गोल गोल घुमाते हैं, बाजू से आटा निकलता है, आप सबको पता है ठीक है ना। तो एक गांव में एक बूढ़ी महिला चक्की चला रही थी और संत कबीर वहां से निकले, उस दृश्य को देखे देखकर रोने लगे। उन्होंने लिखा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोई। कबीरदास जी रोने लगे, किसने पूछा महाराज रो क्यों रहे हैं, बोले ये चक्र जो है ना और कोई नहीं, ये काल चक्र है, काल रूपी चक्र इसी प्रकार घूम रहा है, काल चक्र स्वयं भ्रमिम, पूरी दुनिया मिलकर भी काल रूपी चक्र को रोक नहीं सकती। आज का दिन, आज की तारीख, आज की घड़ी गई तो गई, अब वापस नहीं आएगी। और इसलिए तो हमारे गुजरात के संत ने गाया ना, जरा आप जो तालाब जो कठण चोट छे काल नी रे मरण मोंघे रो मा, कैक राणा ने कैक राजिया हे छोड़ी चला छे संसार, हे ते हरी नो रस पीजिए, हे ते हरी नो रस पीजिए। ए कठण चोट छे आगे कहते हैं, माली वीणे छे रुड़ा फूलड़ा रे कलियों करे छे विचार, आजनो दीन रणियाणो हे काले आपड़े शीरदार, हे ते हरी नो रस पीजिए, हे ते हरी नो रस पीजिए। बगीचे में आपने देखा होगा, बगीचे में जो माली होता है, बजाइए आप बजाइए, फूलों को तोड़ता है, जो फूल खिल चुके हैं उस फूलों को तोड़ता है, तो उस समय जो कलियां होती हैं वो सोचती हैं कि आज ये फूलों की बारी है, कल हमारी बारी है, हमारे मस्तक पर तलवार की धार लगी हुई है, बस केवल 24 घंटे बचे हैं, आज ये तो कल हम। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में हमसे छोटे बड़े नीचे ऊपर रहने वाले सब लोग गए, बस अब हमारी बारी है, मृत्यु आए उसके पहले प्रेम से हरि रस भगवान का नाम पी ले, भजन कर ले। लेकिन नहीं, हम तो डॉलर कमाएंगे, पैसे कमाएंगे। तब उस भक्त ने बहुत सुंदर कहा, ए संसार धुमाड़ा ना बचकारे नहीं आवे रे कोई, रंग पतंग नो उड़ी जशे हे जेम आकड़ा नो तोर, हे ते हरी नो रस पीजिए, हे ते हरी नो रस पीजिए। इस संसार में सुख क्या है, हम और आप जिस सुख को खोज रहे हैं वह सुख और कुछ नहीं, धुएं में बादल को बाज का भरवान हूं के वो मारे बाज का भरवान खबर बन, अपने हाथों से धुएं को पकड़ने के बराबर है, हैं हाथ मारने के बराबर है। बादल को पकड़ोगे धुएं को पकड़ेगे पकड़ में आएगा कभी नहीं आएगा, धुआं कभी हाथ में पकड़ में आता है, बादल कभी हाथों में पकड़ में आता है नहीं। ठीक उसी प्रकार इस संसार में यह सुख कभी भी पकड़ में नहीं आएगा,
हम और आप विचार कीजिए, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक रात दिन सुख को खोजना चाहते हैं, लेकिन आज तक सुख नहीं मिला। ऐसा एक नहीं, हजारों जीवन बीत जाएंगे, इस भौतिक जीवन से कभी सुख नहीं मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण का अंत इसी पर कर दिया। कहते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को किसी मशीन में डालो और पेलो, इस मिट्टी को पेलने से तेल निकल जाए, ये बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन कहते हैं, माटी को पेलने से तेल निकल जाए, लेकिन इस दुनिया से सुख कभी नहीं निकल सकता। अरे कछुए की पीठ पर बाल उग जाए, लेकिन इस दुनिया में कभी सुख नहीं मिल सकता। बर्फ में आग लग जाए, लेकिन इस दुनिया में सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने कहा, पुनर पुनर चरवित चरवणानाम। इस संसार से सुख को खोजना ये कैसा है, ये चबाए हुए को चबाना। गन्ने का जूस पिया है? हैं? अमेरिका में नहीं, भारत में सिसोडो जोयो से गन्ने का जूस देखा है? हाँ, वो मशीन में डालते गन्ना एक बार, फिर दूसरी दो बार, तीन घुमा घुमा के 50 बार गन्ना भी रोता है कि अब तो बंद कर, हाँ? लेकिन बार बार गन्ना डालते हैं, एक बूंद नहीं बचती, और फिर वो आपको दे दिया जाए, अब इसमें से रस निकाल के पियो। चबाए हुए गन्ने से कभी रस नहीं निकल सकता, ठीक उसी प्रकार इस दुनिया से कभी सुख नहीं मिल सकता। भौतिक वस्तु में, भौतिक जगत में सुख एकमात्र भ्रांति है, सुख नहीं है। सुख है एक और मात्र एक भजन करने में। इसलिए कठण चोट छे काल नी रे मरण मोंघेरो मार, कैक राणा ने कैक राजिया हे छोड़ी चला छे संसार, हे ते हरि नो रस पीजिए, हे ते हरि नो रस पीजिए। के काल जो है भगवान का स्वरूप है। जीवन में जो काल मिला है, जो समय मिला है, उस समय में यदि हम भजन करें तो भगवान सामने होंगे, नहीं करेंगे तो काल तो खड़ा है। कबीरदास जी का मैं आपको दृष्टांत दे रहा था कि चलती हुई चक्की को देखकर कबीरदास जी रोने लगे। चलते चलते जब उस चक्की के पास आए, उस घंटी के पास आए, तो रोना बंद और नाचने लगे। बोले, महाराज अभी तो रो रहे थे, अब नाचने लगे। बोले, मैंने देख लिया, समझ में आ गया। बोले, क्या समझ में आया, हमें भी समझाओ। बोले, ये बात तो सत्य है कि जैसे ये पत्थर, ये गोल चक्र चल रहा है और सारे गेहूं के दाने पीस रहे हैं, वैसे काल रूपी चक्र में हम सब लोग पीस रहे हैं। काल रूपी चक्र में हम सब लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोग थोड़े से फंसे हैं, कुछ लोग आधे फंसे हैं, कुछ लोग, मैं देख रहा हूं, 90% फंस चुके हैं, 10% बचे हैं। फंसे सब लोग हैं। लेकिन कबीरदास जी ने कहा कि सुख की बात, आनंद की बात यह है कि उस घंटी में ऊपर से जितने भी दाने डाले जा रहे हैं, सारे दाने दोनों पत्थर के बीच में काल रूपी चक्र में फंस रहे हैं, आटे बन रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन जो दाने नीचे के चक्र के खूंटे के सटकर बैठे हुए हैं, वो नहीं पीस रहे हैं। वो खूंटी क्या है? भगवान कृष्ण है। कृष्ण से जो लोग निकट रहेंगे, कृष्ण से जो सट कर बैठेंगे, वो काल रूपी चक्र में कभी नहीं फंस सकते हैं। इसलिए काल से बचना चाहते हैं। ये बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भगवान शंकराचार्य ने जो कहा, पुनरूपी जन्मम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मृत्यु के बंधन से यदि मुक्त होना है तो राम और कृष्ण का भजन करना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा,
और काल को समझकर हमारे जीवन की इस कीमती समय को व्यर्थ नहीं बिताकर भजन में लगाना चाहिए। चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में कहते हैं, आयुष्य क्षण एकोपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी। करोड़ों करोड़ों सोने की मुद्रिका दे दो, आज के दिन में आप करोड़ों डॉलर दे दो, लेकिन जीवन में बीती हुई घड़ी को, समय को आप वापस नहीं ला सकते हैं। समय बड़ा कीमती है भक्तों, समय की वैल्यू समझ गए ना आप, आज से ही भजन करना शुरू कर दोगे। हमारा क्या ना, हम समय की वैल्यू नहीं जानते हैं। ये वैल्यू कब पता चलती है, जब मौत सामने दिखाई देती है, जब मृत्यु सामने होती है, वह व्यक्ति मौत से झुलस रहा है और उस समय धन के ढेर खड़े हैं, बैंक बैलेंस भरे हुए हैं, लेकिन मौत सामने खड़ी है और उस समय बच्चे कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमारे पिता को जिला दीजिए, हम 1 करोड़ रुपए, 1 घंटा ज्यादा जिला दीजिए, 1 करोड़ रुपए देंगे। मरते समय 1 घंटा ज्यादा जीने के लिए 1-1 करोड़ देने के लिए आदमी तैयार हो जाता है, लेकिन जीवन के 1-1 करोड़ के 1-1 घंटे बीत रहे हैं, ये जीते जी आदमी समझ नहीं पाता है। इतनी सी बुद्धि आ गई ना तो बेड़ा पार हो जाए कि ये जीवन बहुत कीमती है। ये जीवन मिला है ईश्वर प्राप्ति के लिए, जीवन मिला है इन सब जन्म मृत्यु आदि बंधनों से मुक्त होने के लिए, और इन सब के लिए केवल एक ही साधन है और वो है राम कृष्ण या विष्णु का भजन, उनकी भक्ति, उनसे प्रेम। तो महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की कि आप कृष्ण की कथा सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि परीक्षित, अब कृष्ण की कथा तो समुद्र के समान विशाल है, तुम्हारे पास अब केवल 3 दिन बचे हैं, 3 दिन 3 रात बीत गए, 3-4 दिन बचे हैं। उस कृष्ण कथा में तुम क्या सुनना चाहते हो, कोई स्पेशल मेन्यू हो तो बता दीजिए, कोई फरमाइश है? तब परीक्षित महाराज फरमाइश करते हैं, देखिए जिज्ञासा देखिए इस बंदे की। हाँ सुखदेव जी, मैं क्या सुनना चाहता हूं ये जानना चाहते हैं, सुनिए। रोहिणी स्तनय प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुत देहांतर विना। पहले तो मुझे ये बताइए, कृष्ण के बड़े भाई बलराम के बारे में बताइए। सुना है कि बलराम देवकी के गर्भ में 7वें पुत्र के रूप में थे, और यह भी सुना कि बलराम रोहिणी के गर्भ से जन्म लिए। एक लड़का 2 माँ के गर्भ में कैसे जा सकता है, आज का साइंस कितना भी आगे निकल गया हो लेकिन ये काम तो नहीं कर सकता ना कि एक लड़के को 2 माँ के गर्भ में डाले, या लड़का मर जाए या मां मर जाए, ये कैसे पॉसिबल है। और इतना ही नहीं, कस्मान मुकुंदो भगवान पितरु के हाथ ब्रजम गत। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्ण का जन्म हुआ, जन्म लेते ही मथुरा छोड़कर गोकुल क्यों चले गए। सुखदेव जी ने कहा डर गए होंगे कंस के भय से, बोले नहीं ये तो मुकुंद है। देखिए भागवत के श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है। परीक्षित ने क्या कहा, कस्मान मुकुंद भगवान, ये मुकुंद है। मुकुंद का अर्थ क्या है, मुक्ति ददाती इति मुकुंद, जो पूरी दुनिया को मुक्ति देने में समर्थ है वो कंस के भय से डर जाएंगे, नहीं कुछ और कारण है। तो क्यों मथुरा छोड़कर गोकुल क्यों गए। अच्छा गोकुल गए तो गोकुल में जाकर को वासम ज्ञाति भी सार्धम कृतवान सात्वताम पति, गोकुल में रहकर कृष्ण ने क्या क्या किया। ब्रजे वसन किम करोत मधुपुर्याम च केशव, ब्रज में रहकर कृष्ण ने क्या क्या किया ये सारी कथा सुनाइए, फिर मथुरा में रहकर क्या किया ये भी सुनाइए, और सुना है कृष्ण ने 16,000 विवाह किए ये भी थोड़ा सा विस्तार से सुनाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं ना भाई, इतने सारे विवाह, क्योंकि तू एक को नहीं संभाल सकता, कृष्ण संभाल सकते वो करे है? लेकिन कुछ लोग तो हद कर देते हैं, दावा करते हैं कि भाई आपके कृष्ण ने इतने सारे विवाह क्यों किए, और आज का आदमी करता है क्योंकि बेचारा खुद एक से परेशान है,
वो क्या समझ सकता है कि भाई 16,000 के साथ ये कृष्ण कैसे है? और फिर भी जब बहुत बहुत समझाने पर नहीं मानते ना, तो हम तो इतना ही कहते हैं कि भाई तू क्यों परेशान हो रहा है, कृष्ण 16,000 विवाह करे, 16 लाख करे, 16 करोड़ करे, तेरे से तो मेंटेनेंस मांगने नहीं आ रहे ना कि भाई 16,000 पत्नी है, थोड़ा सा डोनेशन दे दो है? कृष्ण की 16,000 पत्नी है, लेकिन सब सारी पत्नियां खुश हैं, सबके लिए विशाल महल है, सब कुछ है। और सच कहे तो इस संसार में सबके पति कृष्ण है। भागवत में सुखदेव जी कहते हैं यज्ञपति धरापति, पृथ्वी के पति कृष्ण, यज्ञ के पति कृष्ण, जितने भी आत्मा है सभी आत्मा के पति एकमात्र कृष्ण है। क्योंकि पति का अर्थ होता है पालन करने वाला, और वास्तविक पालन तो भगवान कर रहे हैं, ये पतियों के भी पति। तब माता ये कहेंगी कि ये पति जो बैठे इस लाइन में, ये सब क्या, ये सब टेम्पररी पति है, ये 25-50-100 साल के पति टेम्पररी बेचारे कर्म के भाग्य में लेके हुए आ गए। लेकिन आत्मा का जो स्वामी है, आत्मा का जो पति है, वो भगवान कृष्ण है। इसलिए तो मारवाड़ की मीरा ने कहा ना कि ऐसे वर से विवाह करके क्या करूं जो आज जिए और कल मर जाए, मैं तो वरु मेरे गिरधर गोपाल से जिससे मेरा सुहाग अमर हो जाए। वास्तविक पति तो वो है जो अमर बना देता है। तो इस प्रकार 16,108 पत्नियों के साथ विवाह किया, उनके कितने बच्चे हुए, उसका कितना बड़ा परिवार था, कैसे मेंटेन, कैसे चल रहा था, विस्तार से बताइए। और एक बात समझ में नहीं आई कि हमारे गुजरात में गाते हैं मामानु घर केटले, एक बात समझ में नहीं आई कि मामा से भांजे को कितना प्रेम होता है। हूँ मारूज कहूँ, मारू जारे वेकेशन थतू मुंबई में तो सीधो गुजरात मामा ना घरे वेयो जाता, ये मेरा अनुभव है, आप लोगों का भी अनुभव होगा। और आदमी अपनी माँ से कितना प्रेम करता है, माँ शब्द ही भावना से भरा हुआ है। और मामा में तो दो माँ प्लस माँ, माँ माँ डबल माँ है ये, तो समझ में आ रहा है ना। तो मामा से भांजे को कितना प्रेम होता है, लेकिन कृष्ण ने अपने मामा को ही मार दिया। तो हे सुखदेव गोस्वामी, आप ये बताइए कि भगवान को ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि अपने मामा को ही उड़ा दिया। ये मामा छे छे भांजे को मार कर बैठा था, ये कथा अभी आएगी, तो कृपया करके आप हमें विस्तार से बताइए। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित कोई बात नहीं, और परीक्षित ने यह भी कहा कि मैंने जो नहीं पूछा वो भी बताइए, आप जितना जानते सब कुछ बता दीजिए, ये है जिज्ञासा। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित बहुत अच्छी जिज्ञासा है, मैं आपको कृष्ण कथा सुनाऊंगा, लेकिन तुम 3 दिन 3 रात से कुछ खाए नहीं, पिए नहीं, सोए नहीं, एक काम करो, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा भोजन पानी कर लो, फिर मैं कथा सुनाऊंगा। अभी यदि मैं यहां से कह दूं ना कि अभी आधा घंटा देरी है, थोड़ा भोजन पानी कर लेते, एक बंदा नहीं बैठा रहेगा। हालांकि हम लोग केवल 1.5 घंटे से बैठे हैं, वो 3 दिन 3 रात से कंटिन्यूज एक बूंद पानी नहीं पिए, ना भोजन किए, ना कुछ। और सुखदेव गोस्वामी ने उस अवस्था में कहा है कि कुछ खा पी लो, गुरु जी कह रहे हैं कि कुछ कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। लेकिन परीक्षित ने क्या कहा, परीक्षित कहते हैं ने शाति दुह सहा सुनमाम त्यक्तो दम अपि न बाधते। सुखदेव जी आप चिंता मत कीजिए, मुझे न भूख है न प्यास है, मुझे न नींद है, आप कथा सुनाइए। सुखदेव जी के मन में प्रश्न हुआ कि वहां जब तुम शिकार करने गए, आप जानते ना ये कथा है, जब शिकार करने गए तो आधे दिन पानी नहीं मिला, समीक ऋषि की कुटिया में गए, वो मरा हुआ सांप गले में डाला और उसका श्राप मिल गया। उस समय तुम आधे दिन में प्यासे हो गए थे, और आज यहां पर 3 दिन 3 रात बीत गई फिर भी प्यास नहीं लग रही है। जायज प्रश्न है, वैलिड प्रश्न है ना,
कि वहाँ तो आधे दिन में तुम प्यासे हो गए और इतने बड़े ऋषि का श्राप मिल गया, और यहाँ तीन दिन तीन रात से भूख प्यास नहीं लग रही है, कारण क्या है, तुम्हें क्या मिल रहा है? तब परीक्षित कहते हैं, पिबन तुम त्वाम मुकाम भुजम च्यूतम हरि कथा मृतम। सुखदेव जी, आपके श्री मुख से झरने की तरह जर्जर जर्जर झरता हुआ कथा अमृत का पान कर रहा हूं महाराज, मैं अमृत पी रहा हूं, और अमृत पीने वाले को यह साधारण पानी की प्यास कैसे लग सकती है? आप कथा सुनाइए, मुझे न खाना है न पीना है, जब इतनी आसक्ति कथा सुनने में हो जाए ना, तब समझना चाहिए कि भगवान से प्रेम अब शुरू हो रहा है, अब भगवान की प्राप्ति होगी। यहां तो कथा शुरू होती है और बंदे की वहां आंखें बंद, नींद शुरू होती है, और बाजू वाला कृपा करके जगाता भी है तो इतना घूर के देखता है कि जलाकर भस्म कर देगा। वो जताना चाहता है कि मैं सोया नहीं था, मैं ध्यान कर रहा था, तेरा ध्यान मेरे ठाकुर जी जानते हैं। धन्य है महाराज परीक्षित। परीक्षित की जिज्ञासा, सुखदेव जी प्रसन्न, और अब सुखदेव जी परीक्षित महाराज को धन्यवाद देकर कृष्ण जन्म की कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि द्वापर युग की बात है, द्वापर युग के अंत में इस संसार में, इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे राजा हुए, वैसे जन्म से तो क्षत्रिय थे परंतु गलत संगति करने के कारण उनका आचरण बिगड़ गया। याद रहे, किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार संस्कार और संगति होता है। जीवन का जो आधार बेस जो होता है वो माँ बाप के संस्कार और संगति, एसोसिएशन। और इन दोनों में भी तारतम्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो हम देखते हैं, देखा गया है कि माँ बाप अच्छे से अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन लड़का स्कूल कॉलेज में जाकर किसी गलत संगति में फंस जाता है, वे सारे संस्कार पर पानी फेर जाता है और जीवन अधोगति की ओर चला जाता है। संगत की बड़ी असर होती है। द्वापर युग में क्षत्रिय राजा थे लेकिन गलत संगति में फंसने के कारण उनका आचरण बिगड़ गया और इस संसार में उत्पात मचाने लगे। उन राजाओं ने साधकों की साधना बंद कराई, ऋषि मुनियों की होम हवन अग्नि बंद कराई, भक्तों की भक्ति बंद कराई, जीव हिंसा करने लगे, गायों का वध करने लगे और इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा आतंक होने लगा द्वापर युग में। भक्तों, इस संसार में देखा जाए तो बहुत बहुत वस्तुएं हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, नदी है, नाले हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन इन सारी वस्तुओं का वजन भार पृथ्वी को नहीं लगता है। परंतु जब कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर पाप करता है तो वह पाप का बोझ पृथ्वी सहन नहीं कर सकती है। यक्ष ने युधिष्ठिर को 100 प्रश्न पूछे, उनमें से एक प्रश्न था कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा भार क्या है। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा था, पाप भूमि ते भारी, इस भूमि पर पाप का वजन बहुत भारी। तो पृथ्वी पर वजन बढ़ा। सुखदेव जी कहते हैं, भूमिर द्रुप नृप व्याज देत्यानीक शतायुते आक्रांत भूरी भारेण ब्रह्मानं शरणं ययो। इन राजाओं के अत्याचार से पृथ्वी पापों से भारी हो गई और आक्रांत पृथ्वी बहुत दुखी हुई, और अपने दुख को दूर कराने के लिए पृथ्वी कहां पर गई? ब्रह्मानं शरणं ययो, ब्रह्मा के शरण में गई। अब ब्रह्मा के शरण में किस प्रकार से गई? सुखदेव जी कहते हैं, गो भूख भूतवा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणं विभो। देवी पृथ्वी गाय का रूप लेकर गई। अब किसी ने पूछा कि पृथ्वी ब्रह्मा के पास गाय का रूप लेकर क्यों गई? इस 84 लाख की योनियों में गाय एक ऐसा पात्र है
जिसे देखकर स्वाभाविक दया आती है। गाय एक दया का पात्र है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गाय जिसके पीछे अखिल ब्रह्मांड नायक लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण नंगे पांव दौड़ते हैं। है? भक्तों, आज जन्माष्टमी के दिन मैं सच कहूं, 24 घंटों से मैं मेरे मन में मंथन कर रहा हूं, इस जन्माष्टमी के दिन मुझे कृष्ण को कुछ देने का मन हो रहा है तो यही कि मैं मेरी ओर से पूरा प्रयास करूं गोवंश को बचाने का। गाय को कैसे बचाए, गाय की सेवा कैसे करें, क्योंकि याद रहे जब तक इस धरती पर गाय का खून गिरेगा शांति नहीं आ सकती। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान जिस गाय को प्रेम करते हैं, आप जानते हैं पहली बार जब कृष्ण गाय चराने जा रहे थे ना, तो यशोदा थक गई, नंद बाबा थक गए कि कृष्ण खड़ौ पहन लो, जूते पहन लो। कृष्ण ने मना किया, मैं नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। बार बार कहा कृष्ण, अंत में यही कहा कि मैं गोपाल हूं, मैं गायों का सेवक हूं, जब मेरी गाय जूते नहीं पहनती तो मैं जूते कैसे पहन सकता हूं। जूते ही पहनाने हैं तो पहले 36 लाख जूते बनवाओ, मेरी गाय और बछड़े को पहनाओ, फिर मैं पहनूंगा, अन्यथा मैं जूते नहीं पहनूंगा। जिस गाय के पीछे हमारे भगवान नंगे पांव दौड़ते हैं, जिस गाय को चाहते हैं, जिसे प्रेम करते हैं, जो दया का पात्र है, आज उस गायों की हिंसा होती है, आज उस गायों को काट कर लोग खाते हैं, आज उस गायों पर अत्याचार हो रहे हैं, इस संसार में कैसे सुख और शांति हो सकती है। हम यदि भगवान के थोड़े से भी भक्त हैं ना, हम यदि भगवान के थोड़े से भी सेवक हैं, प्रेमी हैं, तो हमारे अंदर गाय की रक्षा करने की भावना होनी चाहिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप मोर्चा निकालिए, क्रांतिकारी बन जाइए, एटलीस्ट भावना तो होनी चाहिए। हम उसे करें न करें ये अलग बात है, लेकिन कम से कम ये दुख तो होना चाहिए, और फिर अपने स्टैंडर्ड से, अपनी ओर से प्रयास होना चाहिए कि कृष्ण की प्रेमी ऐसी गायों की हम रक्षा करें। आप सोचिए, भगवान इस धरती पर आते हैं तो केवल दो ही कारण के लिए, गो ब्राह्मण हिताय च, ये केवल गाय और ब्राह्मण का हित करने के लिए आते हैं। तो गाय का हित करना, ब्राह्मण का हित करना, ये कृष्ण का। मैं अक्सर कहता हूं, आजकल मेरा ये सूत्र बन चुका है कि यदि अपने आप को सुखी करना है, खुद प्रसन्न होना है, खुद सुखी होना है, तो सीधी सी बात है, आप कृष्ण की भक्ति करो। राम कृष्ण विष्णु की भक्ति करोगे, जीवन सुखों से भर जाएगा। लेकिन यदि आपके मन में कभी ऐसी इच्छा हो कि मैं मेरे कृष्ण को सुखी करना चाहता हूं, मैं मेरे राम को सुखी करना चाहती हूं, मैं मेरे विष्णु को सुखी करना चाहता हूं, तब अपने आप को सुखी करना है तो भगवान की भक्ति करो, भगवान की सेवा करो। लेकिन भगवान को सुखी करना चाहते हो तो गाय की सेवा करो और भगवान के भक्तों की सेवा करो, भगवान खुश हो जाएंगे। इसलिए इस बात पर विचार करना चाहिए। जरूरी नहीं कि मैं जो कहूं आपको फॉलो करना है, इस पर विचार करें और फिर अपने जीवन में सोचें। मैं तो ये कह रहा था कि देवी पृथ्वी गाय का रूप लेकर ब्रह्मा के पास गई, क्योंकि गाय दया का पात्र है। ब्रह्मा के हृदय में दया उत्पन्न कराने के लिए पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया। तो देवी पृथ्वी गाय का रूप लेकर सुमेरु पर्वत पर वैराज ब्रह्मा के पास गई। पृथ्वी ने अपना सारा दुख ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा तत् उपधार्यात, ब्रह्मा ने सारा दुख सुना। और दुख सुनने के बाद कहा कि छोटा मोटा दुख होता तो मैं दूर कर देता, लेकिन तुम पर बहुत बड़ा दुख आया है और यह दुख तो मात्र भगवान ही दूर कर सकते हैं। मैं तुम्हें भगवान के पास लेकर जाऊंगा।
ब्रह्मा ने शिव, नारद, समस्त देवी देवताओं को बुलाया और पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। वहां जाकर पुरुष सूक्त स्तुति की, बहुत सुंदर कीर्तन किया और कीर्तन से भगवान प्रसन्न हुए, ब्रह्मा के सामने प्रकट हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, गिरम समाधो गगने समीरिताम, भगवान की वाणी प्रकट हुई। कैसी वाणी थी? गिरम समाधो, गगन को गुंजाने वाली। जैसे मेघ गरजता है तो ये माइक वाइक की जरूरत नहीं पड़ती, मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान ब्रह्मा को संबोधित करते हुए कहने लगे, अंत ब्रह्म अहो शंभो हे देवा मम भाषितम। हे ब्रह्मा जी सुनो, आप लोग जिस काम के लिए यहां पर आए हो, पूरा एव मैं तो पहले से ही जानता हूं, आप चिंता मत करो। ये पृथ्वी पर जो आपत्ति आई है ये बहुत दूर दूर होगी, बहुत जल्द दूर होगी। कैसे? कहते हैं मैं बहुत जल्द इस धरती पर अवतार लूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, दुष्टों का विनाश करूंगा, मेरे भक्तों को, साधु संतों को आनंद दूंगा। ब्रह्मा ने कहा, थोड़ा क्लेरिफिकेशन कीजिए, आपका जन्म कहां पर होगा? क्योंकि इस कलयुग में अपने आप को भगवान मानने वालों की कमी नहीं है। आपके अमेरिका की तो पता नहीं, हमारे भारत में हर 10 घर छोड़कर एक भगवान बनकर बैठा है, हर 10 घर छोड़कर एक भगवान है। कोई बाबा भगवान तो कोई बापू भगवान, कोई फलाना भगवान तो कोई ये भगवान है। इसलिए ब्रह्मा जी ने भागवत में पूरा क्लेरिफिकेशन कराया। थोड़ी सी भी बुद्धि है तो भागवत के द्वारा, रामायण के द्वारा हम जान सकते भगवान कौन है। हम तो क्या ना, छोटे मोटे थोड़े बहुत चमत्कार, वो चमत्कार में भी चालाकी होती है, कोई चमत्कार थोड़ी ना है, लेकिन बस हम उसी को देखकर उसे भगवान मानने लगते हैं, पूजने लगते हैं। रिस्पेक्ट दो, आदर करो, लेकिन भगवान तो राम है, कृष्ण है, विष्णु है, ये सब भगवान है। खैर, ब्रह्मा जी ने कहा क्लेरिफिकेशन करो, आपका जन्म कहाँ होगा? तब भगवान ने कहा, वसुदेव गृहे साक्षात, भगवान पुरुष पर वसुदेव के घर पर माता देवकी के गर्भ से मैं अवतार धारण करूंगा। आप सभी देवताओं को कहो कि अपने एक एक अंश से गोकुल मथुरा में जन्म ले गोप ग्वाल के रूप में, ताकि मुझे लीला में सहायता मिले। जैसे भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने सुना, सारे देवताओं को बताया, सबको सांत्वना दी, सारे देवता अपने अपने स्थान पर चले गए, देवी पृथ्वी अपने स्थान पर, ब्रह्मा इंद्र सब अपने अपने स्थान पर, और अब भगवान के आने की राह देख रहे हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं। अब सुखदेव गोस्वामी यह कथा मथुरा में लेकर चलते हैं, जहां पर बहुत सुंदर विवाह हो रहा है। मथुरा में एक बहुत बड़े राजा जिसका नाम है देवक, राजा देवक की सबसे छोटी कन्या जिसका नाम था देवकी, और उसी मथुरा के एक राजा थे शूरसेन, जिसके एक बहुत सुंदर प्रभावशाली पुत्र जिसका नाम था वसुदेव। तो देवक की कन्या देवकी और शूरसेन के पुत्र वसुदेव, देवकी और वसुदेव का विवाह मथुरा में हो रहा है, और बहुत सुंदर विवाह इस संसार में। आजकल तो विवाह, बचपन में मैं देखता था कि विवाह पहले 2 दिन का होता था, अपने त्या एक मांडवो मुहूर्त होई अने बीजा दिवसे जान होई, पछी में वच्चे गर्भ आयो अने पछी तो आनंद मंगल होई। लेकिन अब तो धीरे धीरे विवाह 1 दिन का हो गया, और समय आगे गया तो आधे दिन में शादी हो जाती है, और समय आगे मतलब आधे पौने घंटे में तो खत्म। अब मुझे तो लगता है फोन में ही शादी हो जाएगी, इंटरनेट में तो हो ही रही है। लेकिन शादी एक ऐसा उत्सव होता था, वास्तव में शादी तो आनंद से होनी चाहिए, क्योंकि बंदा 1 दिन राजा होता है। मेरी बात गलत है तो बताओ, और वो होता है दूल्हे राजा, बाकी तो जीवन भर कुल ही बनना है ना। जीवन में 1 दिन राजा है, अपने अरविंद भाई, ईश्वर भाई है, लग्न ना दिवसों याद आवे
એ દિવસે મોજે આપણે ના પહેરવાના હોય, એ તો બધા પહેરાવાળા આજુબાજુ ફરતા હોય. પાન પટ્ટી લાવીને આપે, પાન ખાશો, શું લેશો, આ લેશો, તે લેશો. લેકિન એ કિતને દિન હોતા હે? એક દિન. બાકી તો શાદી કે પહેલે સિંહ કી તરહ ગર્જના કરતા હૈ આદમી. ગલી સે નિકલતા હૈ તો 10 લોકો પતા ચલતા હૈ કે આયા હૈ. શાદી કે બાદ ચૂહા બનકર બેઠ જાતા હૈ, બરમુડા પહેનકર ઘર પર ટીવી દેખતા હૈ, ઓર કુછ નહીં. ખેર, ક્યાં કહે રહા થા? હા, શાદી. યે જો શાદી હો રહી થી, યે કોઈ સાધારણ નહીં થી. યે 15 દિન તક વસુદેવજી કી બરાત રાજા દેવક કે વહાં રુકી થી. 15 દિન તક મહેમાન નવાજી હોઈ, નાચ ગાન હુએ, ભોજન પ્રસાદમ આદિ હુઆ. ઓર અબ 15વે દિન કી બાત, જબ દેવકી કો વિદા કરને કા સમય આયા, મંગલ ગીત ગાયે જાને લગે, ઢોલ નગારે પખાવત શહનાએ તુરહી બજને લગે. ઓર વિદાય કરતે સમય રાજા દેવક ને દેવકી કો બહોત ભેટ દી. દેખીએ, દહેજ અલગ ચીજ હોતી હૈ, ભેટ અલગ હોતી ચીજ અલગ હોતી હૈ. દહેજ તો ઉસે કહેતે જો માંગા જાતા હૈ, જો ડીલ કિયા જાતા હૈ, જો સોદા હોતા હૈ, જો બિઝનેસ હોતા હૈ. લેકિન ભેટ કિસે કહેતે હૈ? એક બાપ અપની બેટી કે વિવાહ મેં પ્રેમ સે અપની પૂરી તાકત લગા કર અપની બેટી કો જો દેતા હૈ બિના માંગે, ઉસે ભેટ કહેતે હૈ. ઓર મહારાજ દેવક ને દેવકી કો બહોત દિયા. સુખદેવજી ભાગવત મેં વર્ણન કરતે હૈ, પંચશતમ ચતુર્બરણમ ગજાનામ હેમ માલિનમ. 500 હાથી દિયે ઓર હાથી કો હેમ માલા, સોને કી માલા, સોને કી અંબાડી. 1800 રથ, 1500 ઘોડે, યે સબ. 200 દાસિયા, ભલે મેરી બેટી કો યે કપડે ધોને કી, બર્તન માંજને કી જરૂરત ના પડે, 200 દાસિયા સેવા મેં. યે સબ તો રોડ પર દિખ રહા થા, સુખદેવજી ને ઇસકા વર્ણન કિયા. અબ અંદર ચેક કિતને કા ફાડા હોગા યે તો પતા નહીં, લેકિન ઇસસે આપ અંદાજા લગા સકતે હૈ. કુલ મિલાકર રાજા દેવક ને અપની બેટી કો બહોત કુછ દિયા. 1800 રથ ખડે હૈ, વસુદેવ ઓર દેવકી મંગલગાન ગીત ગાય જા રહે હૈ, બેટી કો વિદા કર રહે હૈ. ઓર 1800 રથ કે બીચ મેં વસુદેવ કા રથ ખડા હૈ, વસુદેવ ઓર દેવકી રથ પર બેઠે હૈ. ઓર ઉસ સમય દેવકી કા કઝિન, દેવકી કા ચચેરા ભાઈ, રાજા દેવક કા એક ભાઈ થા જિસકા નામ થા ઉગ્રસેન, ઓર ઉગ્રસેન કા બેટા જિસકા નામ થા કંસ. કંસ કા અર્થ હી હોતા હૈ નિર્દયી. યે કસાઈ શબ્દ હમ લોગ કહેતે ના કસાઈ, યે કંસ ધાતુ સે બના હૈ. જૈસે કસાઈ નિર્દયી હોતા હૈ, વૈસે કંસ કા અર્થ હી હોતા હૈ નિર્દયી. લેકિન અપની બહેન કો વિદા કરતે સમય કંસ કા હૃદય ભી પિઘલ ગયા. અબ દુષ્ટો કે પ્રેમ પર ભરોસા નહીં કરના ચાહીએ, ઇસકો પ્રેમ ઉમડ ગયા. ઇતના પ્રેમ કે વસુદેવ કે રથ કા જો ડ્રાઈવર થા ઉસે નીચે ઉતારા ઓર ખુદ ડ્રાઈવર બન ગયા. મેરી બહેન કા રથ મેં ચલાઉંગા. અબ જબ કંસ વસુદેવ ઓર દેવકી કે રથ કો હાંકને લગા, અબ ચલાય નહીં થા, ચલાને વાલા થા, દેવલોક મેં ખલબલી મચ ગઈ. સારે દેવતા એકત્રિત હુએ, ચિંતા મેં પડ ગયે કે યે કંસ દેવકી ઓર વસુદેવ કા રથ ચલાને જા રહા હૈ. યદિ કંસ ઇનકા રથ ચલા લિયા તો ભગવાન કભી ભી ઇસે નહીં માર પાયેંગે, ક્યોંકિ ભગવાન કા સિદ્ધાંત હૈ કે વે અપની સેવા કરને વાલે કો એક બાર માર દેંગે, લેકિન ભગવાન અપને ભક્ત કી સેવા કરને વાલે કો કભી નહીં માર સકતે. દેવકી ઓર વસુદેવ કૃષ્ણ કે ભક્ત હૈ ઓર કંસ ઉનકી સેવા કરતા તો ભગવાન કંસ કો કૈસે માર સકતે થે. દેવલોક મેં ખલબલી, બોલે ક્યાં કરે ક્યાં કરે, દેવતા રહ નહીં પાએ. ઓર આકાશવાણી કર દી ઓર કહા, મૂર્ખ હો રહા ના, તું જિસકા રથ ચલાને જા રહા હૈ ઉસકી 8વીં સંતાન તેરે મૃત્યુ કા કારણ બનેગી. આમ તમને આકાશવાણી જેવું લાગ્યું? આ બધું મારી પાસે બધું મસાલો હોય, પૂરા પ્રયાસ કર રહા હું કે આપ ઉતર જાય કથામાં.
खैर है, तो कहा कि तू जिसका रथ चलाने जा रहा है उसकी आठवीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। जब कंस ने यह सुना तो लाल पीला हो गया और कुछ नहीं, वो रथ की लगाम छोड़ी, देवकी के बाल पकड़े और म्यान से तलवार खींचा और देवकी के धड़ से मस्तक को अलग करने काटने ही जा रहा था, वसुदेव ने रोक लिया। तुरंत वसुदेव जी तो बुद्धिमान थे, सोचा कि किसी भी व्यक्ति को समझाने के लिए चार नीति होती है, श्याम दाम दंड और भेद। दंड और दाम तो कंस को दिया नहीं जा सकता, इसलिए श्याम नीति और भेद नीति से वसुदेव जी ने कंस को समझाने का प्रयास किया। पूरा प्रवचन श्रीमद् भागवत जी में है। इतिहास में दो प्रवचन रथ के ऊपर हुए, वैसे तो व्यासपीठ पर प्रवचन होते हैं लेकिन दो प्रवचन रथ पर हुए। एक तो वसुदेव ने कंस को प्रवचन किया रथ पर, और दूसरा बिल्कुल अपने बाप की परंपरा निभाते हुए उसी वसुदेव के बेटे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रवचन किया रथ के ऊपर। दोनों प्रवचन विश्व इतिहास में सक्सेस हुए। तो कंस को प्रवचन किया गया वसुदेव जी ने, अब हमारे पास वो समय नहीं है, वसुदेव जी ने बहुत समझाया। अंत में कहा कि भाई कंस तो मान ही नहीं रहा था, बोले तुझे डर किस बात का है? बोले इसके आठवें पुत्र का, तो उसमें देवकी का क्या दोष? कंस मैं वादा करता हूं देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं तुझे लाकर दे दूंगा, लेकिन देवकी को छोड़ दे। एक तो ये स्त्री है, अबला नारी है, ऊपर से तुम्हारी बहन है और ऊपर से उसकी शादी का दिन है, तुम इसे मारकर क्यों अपनी अपकीर्ति फैलाना चाहते हो? वसुदेव जी ने बहुत कहा और अंत में जब वादा किया कि इसके सारे पुत्र को मैं तुम्हें दे दूंगा, तो कंस ने कहा ठीक है, रथ से उतर गया, देवकी वसुदेव चले गए। एक विवाह के एक वर्ष के बाद कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसाया आनक दुंदुभि अर्पया मास कृच्छेण सो नृताद अति विह्वल। एक साल के बाद कंस वसुदेव जी के वहां प्रथम बालक का जन्म हुआ, उसका नाम था कीर्तिमान। जैसे ही जन्म हुआ वसुदेव जी अपने वचन के अनुसार उस बालक को लेकर कंस के पास आए। कंस ने एक दिन के बालक को देखा तो दया नहीं आई, दया का तो ये पात्र ही नहीं था, लेकिन अभिमान हुआ कि एक दिन का लड़का मेरा क्या बिगाड़ लेगा। कहा वसुदेव इसे लेकर जाओ, आठवां बालक जब होगा उसे लेकर आना। वसुदेव जी उस प्रथम बालक को लेकर गए लेकिन प्रसन्न नहीं थे, बोले ये असुरों का कोई भरोसा नहीं। वहां देवलोक में फिर से खलबली मची कि कंस ने प्रथम बालक को छोड़ दिया, अब दूसरा बालक छोड़ देगा, तीसरा, चौथा, अब आठवां कब होगा और कब भगवान इसे मारेंगे, इसका क्या भरोसा। सारे देवता लक्ष्मी जी सरस्वती के पास गए, सरस्वती कंस की जीवा पर बैठो और उसकी वाणी को बदल दो, कैसे भी करके प्रथम बालक को मरवा दो। सरस्वती ने कहा देखो त्रेता युग में तुम्हारी बातों में आ गई और मंथरा की वाणी पर बैठी और राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया, एक बार गलती हुई अब दूसरी बार नहीं करूंगी। सरस्वती जी ने ना कह दिया। अब ये देवता खोजने लगे कौन हमारा काम करेगा, कौन करेगा। रास्ते में नारद मुनि मिल गए। नारद जी आपका काम पड़ा है? बोले काम क्या है? बोले किसी को मरवाना है, बोले ये तो प्रैक्टिस है। किसी को मरवाना हो, किसी के घर पे आग लगानी हो, किसी के वहां झगड़ा लगाना हो, ये तो अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल है, चिंता मत करो, करना क्या। वैसे मैं तो मजाक कर रहा हूं, नारद तो भगवान के मनो अवतार है। बोले उस कंस ने जिस बालक को छोड़ा उसे मरवाना है। नारद जी तुरंत कंस के पास आए। नारद एक ऐसे पात्र है जिसका आदर देवता भी करते हैं असुर भी करते हैं। कंस ने प्रणाम किया, बोले प्रणाम क्या कर रहा है तू, तेरे जैसा मूर्ख मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। कहा महाराज मुझे मूर्ख कह रहे हैं? बोले मूर्ख नहीं तो क्या कहूं, उस लड़के को क्यों छोड़ दिया? बोले वो तो एक दिन का लड़का, मेरा क्या बिगाड़ सकता था, तो आकाशवाणी तो आठवें बालक की थी। नारद जी ने कहा वो तेरा बाप विष्णु है, विष्णु
वो खंभा तोड़कर प्रकट हो सकता है, तेरा नंबर ध्यान में रखेगा, एक पहला दूसरा तीसरा चौथा आठवां, और तू आठवें के चक्कर में ही पड़ा है ना, तुझे आठवें का ही इतना ये है, तो बता इसमें से आठवीं उंगली कौन सी है। कंस ने यहां से गिना तो ये आठवीं हुई, यहां से गिना तो ये आठवीं हुई। कंस के दिमाग की खिड़की खुल गई, बोले यार ये तो पहली भी आठवीं हो सकती है, आठवां भी आठवां हो सकता है। बोले ये छोड़, अष्टदल कमल लेकर गए थे, एक कमल जिसमें आठ पंखड़ी थी, बोले इसमें से आठवां कौन सा है बता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।